तौसीफ खान है ही, अमरावती से हम लोग। तो इनका ये हुआ कि मस्जिद की गीली सीढ़ी पर से पैर स्लिप हो गया और पैर स्लिप होने की वजह से हाथ की हड्डी जो है वो टूट गई। और हम यहाँ सर तक ऐसे पहुँचे कि इससे पहले, जैसा मैं इसका चाचा हूँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले, और हम लोगों ने यहाँ नागपुर में 4 डॉक्टर साहब से जो है वो मशवरा किए थे। सभी ने ऑपरेशन का बोले थे कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट डालना पड़ेगा और उसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। फिर ये हुआ कि हमारे एक दोस्त मेडिकल स्टोर वाले हैं अनीस सर करके, हमने उनसे मशवरा किए, उन्होंने हमें डॉक्टर फैज़ान सर का नाम सुझाए। और फिर मैं अपने बेटे को लेके यहाँ पहुँचा था, फैज़ान सर ने चेकअप करने के बाद बोले कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टर से ही ये ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटा प्लास्टर से ही ठीक हो गया, अब करीब उसको 4 से 5 साल हो गए, एकदम बढ़िया है, कोई उसको तकलीफ़ नहीं। तो वो एक्सपीरियंस मुझे था, उस हिसाब से हमने फिर भी वहाँ अमरावती में डॉक्टर परवानी सर को बताया, और एक्सरे करने के बाद उन्होंने भी यही बोला कि भाई इसको ऑपरेशन करके प्लेट डालना पड़ेगा। तो मेरे ध्यान में बात आई डॉक्टर फैज़ान सर की कि भाई ऐसे ही मेरे बेटे का हुआ था और हम फैज़ान सर के पास गए थे तो उन्हें बिना ऑपरेशन किए उसको ठीक किए, इसलिए हम लेकर इसको यहाँ पहुँचे। और यहाँ जब हम पहुँचे, फैज़ान सर ने इसको चेकअप किए और बोले कि इसके भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं और प्लास्टर में ही ये जो है ठीक हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर आए, सर ने प्लास्टर किए और अभी वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बेटर महसूस कर रहा, कोई तकलीफ़ नहीं। आज हम राउंड चेकअप के हिसाब से आए थे, सर ने चेकअप कर लिए और बोले कि 1 महीने के बाद आप आना, प्लास्टर खोल लेंगे।